कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 87 में बताया गया है किस किस टाइम पे जो प्रोडक्ट सेलर है वो लायबल नहीं हो सकता जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है उसने कंज्यूमर को। अगर जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेलर ने जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है वो उसे मिसयूज करता है, और जिस कंडीशन में उसे प्रोडक्ट प्रोवाइड किया गया है उसकी कंडीशन को, उसकी स्टेट को वो उसमें बदलाव लेके आता है, उसे ऑल्टर करता है, उसे मॉडिफाई करके इस्तेमाल करता है, और उसकी वजह से उसे किसी प्रकार का हार्म पहुंचता है कंज्यूमर को, तो इस केस में भी जो प्रोडक्ट सेलर है वो लायबल नहीं हो सकता है। और इसमें बताया गया है जो प्रोडक्ट सेलर किसी प्रोडक्ट को एक एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करता है किसी वर्क प्लेस में यूज़ करने के लिए, और वो जो उसकी यूसेजेस की गाइडलाइंस जो है उसके बारे में किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाना चाहिए, उसने जो प्रोडक्ट सेलर है उसने इन्फॉर्म किया है जो एम्प्लॉयर है, लेकिन उसके बाद में आगे एम्प्लॉयर की वजह से जो इंस्ट्रक्शंस है वो आगे पास नहीं हो पाई है, और वो वर्क प्लेस में वो जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है उसकी वजह से किसी कंज्यूमर को या जो एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड किए हैं, जो एम्प्लॉयज़ उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उन्हें किसी प्रकार का हार्म पहुँचता है और वो एम्प्लॉयर की वजह से पहुँचता है, तो इस केस में भी जो प्रोडक्ट सेलर है वो उसे लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। और इसमें बताया गया है जो कंज्यूमर है जो वो प्रोडक्ट यूज़ करता है और जो प्रोडक्ट सेलर उसे कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और पूरा प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करता है, वो कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसका एंड रिजल्ट जो होता है जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट को किसी और जो प्रोडक्ट के साथ में किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ में उसे यूज़ करता है और उसको मिला करके एक एंड प्रोडक्ट बनाता है और उसका इस्तेमाल करता है, और उसके जब यूज उसे यूज़ करता है उसकी वजह से किसी कंज्यूमर को किसी प्रकार का हार्म पहुंचता है, तो इस केस में भी जो प्रोडक्ट सेलर है वो लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोडक्ट सेलर प्रोवाइड करता है जिन्हें किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन के अंडर ही यूज़ किया जाना चाहिए, तो ऐसे में अगर वो किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन के अंदर उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया जाता है जिसकी वजह से जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसे किसी प्रकार का हार्म पहुंचता है, उस केस में भी जो प्रोडक्ट सेलर है उसे लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। और इसमें बताया गया है अगर कोई कंज्यूमर जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स या एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अगर वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है और उसकी वजह से उसे किसी प्रकार का हार्म पहुंचता है तो भी प्रोडक्ट सेलर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। और इस सेक्शन के सेक्शन 87 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है प्रोडक्ट को जिस मैनर में यूज़ किया जाना चाहिए, अगर वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेलर के द्वारा किसी कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है और वो जो प्रोडक्ट उसे प्रोवाइड किया गया है उसे वो उस मैनर में यूज़ नहीं करता है जिस मैनर में यूज़ किया जाना चाहिए, और उसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसे किसी प्रकार का हार्म पहुंचता है या कोई इंजरी उसे होती है, तो उसके लिए भी जो प्रोडक्ट सेलर है उसे लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये बताया गया है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 87 में।